हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कंप्यूटर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका फुल फॉर्म हम लोग को पता नहीं रहता, तो आज की इस क्लास में हम उन वर्ड के बारे में या उन वर्ड के जो फुल फॉर्म है उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, कल हमने इसका पार्ट वन पढ़ा था, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है HTTPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जो HTTPS है, कंप्यूटर में जो HTTPS है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वायरस। नेक्स्ट वर्ड है वायरस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वायरस शब्द कंप्यूटर में सुना होगा बट वायरस शब्द का फुल फॉर्म हमको पता नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं वायरस शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस शब्द का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। ठीक है, जो वायरस शब्द है, वायरस शब्द का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? 3G। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, जो 3G है इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? GSM। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो GSM है, GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सिम। ठीक है, जिसका यूज़ हम मोबाइल में करते हैं सिम, इसका फुल फॉर्म हमको पता नहीं रहता। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो सिम है। ठीक है, जो सिम है उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है GIF। GIF का यूज आजकल व्हाट्सएप में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ठीक है, जो GIF है, ठीक है, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। चलिए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है JPEG। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक
एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बीएमपी। बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिटमैप, शॉर्ट में हम इसको बीएमपी भी कहते हैं, बिटमैप। ठीक है, जो बीएमपी है उसको क्या कहते हैं, बिटमैप कहा जाता है, शॉर्ट में इसे बीएमपी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, जो पीएनजी है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जो पीडीएफ है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो एचटीएमएल है, ठीक है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। जो डीवीडी है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो सीआरटी है उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, डॉस क्या है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और जो लास्ट है वो है सीयूआई। सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहला है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। नेक्स्ट है 3G। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। अगला है GSM। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो GSM है इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है SIM। SIM मतलब सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं GIF। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट है JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देखते हैं BMP, जिसको हम बिटमैप भी कहते हैं, बिटमैप का शॉर्ट रूप BMP होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स PNG। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला है PDF। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो PDF है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है CD। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। अगला है CRT, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है DOS अर्थात DOS। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक इस प्रकार का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या CUI का एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। DOS CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर डिपेंड एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और नेक्स्ट है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने इन कुछ महत्वपूर्ण वर्ड के फुल फॉर्म के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन बना है उसको भी क्लिक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।